फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनियाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम प्याज, जिनको मैंने कट करके उनके लेयर्स को इस तरीके से अलग कर लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इनको आप स्प्लिट करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 प्याज जो है वो फाइनली चॉप कर ली है। और मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 टमाटर, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। मैं यहाँ पे यूज करूंगी 300 ग्राम पनीर का, इसलिए मैंने उसी के हिसाब से मैंने ये क्वांटिटी ली है। आप अगर ज्यादा पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी जो है उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रेशियो है प्याज और टमाटर का वो हमें सेम रखना है। अगर आप 1.5 प्याज यूज कर रहे हैं तो आपको 3 टमाटर यूज करने हैं, और अगर आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको टमाटर की क्वांटिटी भी डबल करनी होगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 शिमला मिर्च, जिसको मैंने छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिनमें ये 3 तेज पत्ते, 6 से 7 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 सूखी हुई लाल मिर्च। इनको मैं एक साइड रखती हूँ। इसमें मैं यूज करूंगी कुछ सूखे मसाले का, जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज करूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टमाटर है आप इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। प्याज और टमाटर को आप पेस्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, बट जो रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर है उसमें अगर हम इनको चॉप करके यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। पैन जो है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गरम कर लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी। सबसे पहले हमें ऐड करने हैं हमारे सूखे मसाले, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। इसको अच्छे से चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक थोड़ी सी इसकी खुशबू ना आने लगे। खड़े मसाले जो हैं ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इनकी जो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई पनीर में। आप सिर्फ देसी घी में भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, और या फिर आप सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लगभग 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसको हम अच्छे से भूनने देंगे। मसाले जो हैं ये अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फाइनली चॉप्ड अनियन,
प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। इसकी जो आंच है वो हमें मीडियम हाई रखनी है और प्याज को अच्छे से भूनना है। धीरे धीरे प्याज का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। प्याज जो है वो हल्के सुनहरे हो चुके हैं। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रेटेड जिंजर गार्लिक, या आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और हरी मिर्ची। प्याज के साथ इसे हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना है अच्छे से मिक्स करके। हमारे जो प्याज और लहसुन अदरक हैं ये जो है अच्छे से भून चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो फैली हुई है। इसे हम 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। अभी अच्छे से भून चुके हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी फाइनली चॉप्ड टमेटोज और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक। अब जो है टमाटर को हमें कवर करके पकाना है। इसको मैं कवर कर देती हूँ और जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं तब तक मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ दूसरी गैस पे और हम स्टार्ट करते हैं सब्जियों को सॉटे करना। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच तेल। इसको गरम होने देंगे। ऑयल यहाँ पे गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज जो हमने इस तरीके से कट करी हुई है। जो ये प्याज है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई पनीर। प्याज को हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है। अगर ये ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो इनका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और इसकी जो फ्लेम है वो हमें लो करके ही पकाना है। ऑयल गर्म होने के बाद ये प्याज जो है हो चुकी है। अब मैं इसको ट्रांसफर कर देती हूँ एक प्लेट में। अब इसी पैन में मैं ऐड कर दूंगी कैप्सिकम या शिमला मिर्च। इसको भी हमें 1 मिनट के लिए ही भूनना है। शिमला मिर्च भी जो है वो अच्छे से भून चुकी है। इसे मैं ट्रांसफर कर देती हूँ प्लेट में। अब सेम पैन में मैं ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच घी, 2 को मेल्ट होने देते हैं। जब तक ये घी मेल्ट हो रहा है हम कर लेते हैं पनीर की कटिंग। पनीर को आप अपने अकॉर्डिंगली इसके जो है टुकड़े कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े बड़े टुकड़े ही कट करूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये पनीर के जो टुकड़े हैं स्क्वायर टाइप के कट कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं बाकी पनीर भी कट कर लेती हूँ। पनीर जो है यहाँ पे कट चुका है। घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पनीर के टुकड़े। पनीर को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको हल्का सा फ्राई करना है। अगर हम इसे ज्यादा फ्राई कर देते हैं तो जो हमारे पनीर के टुकड़े हैं
वो हार्ड हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें लगभग 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। पनीर जो है वो एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, उनको हम टर्न कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारे सूखे मसाले थे, वो मैं पनीर के साथ ही ऐड कर दूंगी और मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। जो घी है वो ऑलरेडी इतना गर्म है कि वो मसाले इसमें भुन जाएंगे और इनको हमें ज्यादा भूनना नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसालों की एक कोटिंग है वो पनीर के ऊपर लग जाए। अगर हम मसाला इस तरीके से डालते हैं तो जो कलर है कढ़ाई पनीर का वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको पैन को हम रखते हैं एक साइड। अब मैं चेक कर लेती हूँ हमारा टमाटर जो हमने दूसरी गैस पे शिफ्ट करी हुई थी। टमाटर जो है यहाँ पे अच्छे से गल चुके हैं, इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। इसको मैं एक चमचे की हेल्प से अच्छे से मैश कर लूंगी। इस तरीके से टमाटर जो है बहुत अच्छे से पक चुके हैं, इन्होंने बिल्कुल साइड से ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी भुने हुए पनीर। इनको हमें हल्के हाथ से चलाते हुए भूनना है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने प्याज और शिमला मिर्च भुने थे उनको। अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है और इनको हमें हल्के हाथों से ही चलाना है। इस तरीके से तो हमारा जो रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर है वो लगभग तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज करा है लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। मैंने उसी पैन में डाल लिया है जिसमें मैंने पनीर को भूना था ताकि जो ये मसाले हैं ये भी इसके साथ ही आ जाए। इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। एक बार मिक्स कर लेंगे इसको। अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी बिल्कुल धीमी आंच पे ताकि जो हमारे मसालों का टेक्सचर है वो अच्छे से पनीर और प्याज और शिमला मिर्च के साथ मिल सके। इसको मैं कवर कर देती हूँ। सो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इस सब्जी का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है ये सब्जी। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ऑयल जो है बिल्कुल स्प्रेड हो गया है सब्जी से, इसका मतलब ये सब्जी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको हमें इस तरीके से मैश करके डालना है हाथों से और इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस तैयार है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी जो रेसिपी है कढ़ाई पनीर की वो कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।